हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबके भी। देखिए, आज हम बताएंगे कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS का जो बहाली आया है, PRT यानी प्राइमरी टीचर का, समझे, फिर आपका PGT के भी आया, TGT का भी आया है, और भी प्रिंसिपल का आया है। अब देखिए, इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, BEd वाले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, समझे, CTET पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वो सब चीज़ बताएंगे आपको। जिनका रिजल्ट BEd का नहीं आया, वो लोग भर सकते हैं, डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं फॉर्म, ये सब चीज़ बताएंगे, समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले आपको बता दें कि हम PRT के बारे में आपको बता रहे हैं। अभी देखिए, अब आपका वेबसाइट पर अभी नहीं है, वो भी एक दो दिन में अपडेट हो जाएगा, अभी पेपर का कटिंग है, समझे। और आपका पहले हम PRT टीचर के बारे में बताएंगे, PRT यानी प्राइमरी टीचर के बारे में, क्योंकि ज़्यादा सीट इसी में रहता है और बहाली भी ज़्यादा इसी में होगा, इसी में, क्योंकि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा PGT DG का, उसमें आपका टफ होते जाता है, समझे। तो आपका जो PRT टीचर है, समझे, प्राइमरी टीचर का जो बहाली आता है वो आपका कितना है पहले ये बता देते हैं। फिर आपका देखिए, UR का आपका 2599 है, OBC का आपका 1731 है, SC का 962 है, ST का 481 है, EWS का 600 आपका 61 है, फिर टोटल आपका 6414 है, फिर आपका OH और विकलांग वगैरह के लिए ये सीट है, समझे। अब देखिए, आपको एक चीज़ बताते हैं कि देखिए, एक चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, BEd कैंडिडेट कैन बी अप्लाई गो थ्रू। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अप्लाई कर सकते हैं BEd कैंडिडेट। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक दिया हुआ है, आपका NCT का गाइडलाइन भी आया है कि जो लोग प्राइमरी टीचर बनेंगे, समझे, बिहार में कहूँ भी आप प्राइमरी टीचर बनिएगा ना 1-5 के, क्योंकि PRT है तो 1-5 पढ़ाइएगा, तो आपको 6 महीना का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, समझे, 6 महीना का। सरकारी जब जॉब लगने के बाद सरकारी करवाती है आपका ब्रिज कोर्स, समझे, तो वो 6 महीना क्या होगा आपका ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, समझे, तो वो चीज़ है। तो PRT का, और देखिए, ऑनलाइन जो होगा आपका 5/12/2022 से, और इसका समापन यानी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कितना है 26/12/2022 को। अब देखिए, एक चीज़ आपको हम बताते हैं, देखिए, जिनका BEd नहीं हुआ है वो डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, जो BEd सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, समझे। तो देखिए, KVS में फॉर्म डालने के लिए आपका BEd कंप्लीट, BEd या DLED जो भी हो आपका कंप्लीट होना चाहिए, समझे। अब देखिए, BEd DLED कंप्लीट होगा तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं, और साथ ही साथ पेपर 1 में, जो पेपर 1 होता है उसमें आपका CTET क्वालिफाइड होना चाहिए, और इसमें जनरल वाले को 90 नंबर, और आपका OBC को, ST सबको कितना चाहिए, 83 नंबर चाहिए, समझे। इसमें बिहार लेकिन नहीं है कि जनरल आप लड़का लड़की कुछ भी है तो आपको, लड़की है तो आपको 82 पर भी मिल जाएगा मौका, ऐसा चीज़ नहीं है। यहाँ पर आपको जनरल है तो कितना नंबर चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही, समझे, तो 90 नंबर चाहिए, और आपका OBC है तो 82 नंबर चाहिए, समझे। और जिनका BEd नहीं फाइनल होगा या DLED जो भी है आपका, वो क्या होना, टीचर ट्रेनिंग कोर्स क्या होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए, समझे। आप देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी का भी रिजल्ट नहीं आया है, तो आप लोग कोशिश जो भी कीजिए कि जल्दी से कि आप लोग फॉर्म PRT मतलब जो है KVS का डाल सकते हैं, समझे। तो ऑफिशियली आप लोग का वेबसाइट पर जल्दी ही आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन पूरा, कि कैसे, मतलब कौन लोग भर सकते हैं, क्या है, समझे, तभी तो उससे पेपर का कट है। और भी PGT टीचर का भी है, TGT टीचर का भी है, समझे। PGT पोस्ट के मतलब जो मतलब होते हैं, यानी आप 11th 12th का टीचर बनिएगा, TGT यानी आपका 6th से 10th तक बनिएगा टीचर, समझे, तो 6 to तो उसमें आपका होता है, समझे। तो जो आपका PGT टीचर होता है उसमें CTET नहीं उसमें होता है, उसका अपना एग्ज़ाम होता है, इसमें भी एग्ज़ाम होता है, आप अपना रिटर्न एग्ज़ाम लेगा, फिर इंटरव्यू लेगा, फिर आपका दोनों का जोड़कर मेरिट लिस्ट बनता है, समझे। थोड़ा ये थोड़ा टफ एग्ज़ाम होता है आपका KVS, लेकिन इसमें बहुत सारा सुविधा दिया जाता है, बहुत सारा, आपको समझिए कि KVS में जॉब हो गया, समझिए आपका लाइफ, मतलब समझिए कि बहुत अच्छा माना जाता है KVS का जॉब, समझे, केंद्रीय विद्यालय का जॉब बहुत अच्छा माना जाता है आपका। तो जो भी लोग हैं जिनका इंग्लिश वगैरह ठीक है, और आपका एग्ज़ाम क्या होगा, ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, समझे, फिर आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। तो जो भी लोग जिनका BEd फाइनल हो चुका है, समझे, वो लोग, और CTET जिनका निकल चुका है, समझे, वो लोग क्या करें कि आप लोग डाल सकते हैं फॉर्म को, समझे, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो जो भी लोग हैं, अब इसमें फी का भी दिया हुआ है आपका कि कौन कौन है, SC ST के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, समझे, और एडवर्टाइजमेंट जल्दी ही आपके, मतलब जल्दी ही, मतलब आपके वेबसाइट पर आ जाएगा, समझे। थैंक यू।